खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद से, जहां कदीमी कब्रिस्तान में सहूलियात का फुकदान। जनाजा गांव में पानी नायाब हो गया, सहूलियात ना होने के बराबर। जनाजा गांव में नमाज जनाजा अदा करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट करते हैं चौक सरवर शहीद से, जहां कदीमी कब्रिस्तान के जनाजा गांव में सहूलियात का फुकदान है। जनाजा गांव में पानी नायाब हो गया, बिजली का निजाम भी ना होने के बराबर है। जनाजा गांव में जनाजा पढ़ने के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने जनाजा गांव की देखभाल से आंखें फेर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी साजिद अली से। जी चौधरी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौक सरवर शहीद का कदीमी जनाजा गाह जो है वो रंगपुर रोड पर जो है वाकई है, मगर यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान जो है वो देखा जा रहा है। जनाजा गाह में जो है बिजली के भी इंतजाम जो है वो ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ जब चौक सरवर शहीद के जो बासी हैं अपने प्यारों के जनाजे की अदायगी के लिए जनाजा गाह आते हैं, तो यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद नहीं है। वजू करने में जो है शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जनाजा गाह में जो टूटियां लगाई गई थी शहरियों की वजू करने के लिए, वो भी चोर जो है वो ले गए। इसके साथ साथ वजू करने के कोई खातिर खान इंतजाम जो है वो मौजूद नहीं है। जनाजा गाह के इर्द गिर्द जो है गंदगी के अंबार जो है वो लगे हुए हैं, जिसके बाद जो अपने प्यारों की तदफीन और यहाँ पे जनाजा की अदायगी के लिए आने वाले शहरियों को जो है शदीद मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये बताना था कि म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो मुबैना तौर पर जो यहाँ पर सफाई करने के लिए भी नहीं आता। जब हम यहाँ पे आते हैं हमें वजू करने के लिए पानी जो है वो भी नायाब हो गया है। सफाई के भी इंतजाम जो है वो ना होने के बराबर है। शहरियों ने जो है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद का जो जनाजा गाह है इसकी देखभाल के लिए जो कोई फंड जो है वो मुख्तस किए जाएँ या अमले को अहकाम जारी किए जाएँ, वो यहाँ पे आएँ और जो सहूलियात का फुकदान है उनको यहाँ पे जो है सहूलियात जो है वो यहाँ पे दी जाए जनाजा गाह को। जी